सकते हैं, ये मोमोज रेडी हो गए हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम वेज मोमोज बनाएंगे। वेज में पत्ता गोभी और केला ग्रेन्यूल्स जो छोटे छोटे मिलते हैं, इनको हम लोग इसको भिगा देंगे पानी में, गर्म पानी। पत्ता गोभी को छोटे छोटे चॉप्स करके काट के फिर हम उसको स्टर फ्राई कर देंगे, वो भी जांच में, और थोड़ा नमक डाल के। ऐसे हमने तैयार किया है। फिर उसके बाद हमने आटा गूंद के तैयार किया है। सबसे पहले हम चटनी की तैयारी करेंगे। चटनी के लिए हम सबसे पहले सूखी लाल मिर्च, टमाटर, इनको आपस में गर्म पानी में भिगा के फिर हम इनको पीस के उसमें लहसुन और थोड़ा 1 इंच अदरक का काट के पीस देंगे। पीस के थोड़ा सा हम साबुत, मैंने थोड़ा फ्रेंड्स पहले बना के रख दिया है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग फिर छोटे छोटे लहसुन और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके तेल में फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट डाल के उसमें नमक डाल सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सिरका भी डाल सकते हैं। अब हम ऐसे आटे की लोई लेंगे, उसको ऐसे रोल करेंगे और थोड़ा डस्टिंग कर लेंगे, डस्टिंग से चिपकेगा नहीं। फिर हम ऐसे छोटी छोटी से लोई बनाएंगे। फिर हम ऐसे करके इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। हमें छोटी छोटी पूरी के शेप की बनानी और पतली बनानी ताकि वो अंदर से कच्ची ना रहे। पतली हमने लोई बनानी, फिर लोई में हमने ये मसाला भर लिया। मसाला भर के ये हमारे मोमोज रेडी हो गए। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद है, जैसा आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप शेप देके ये हमारे मोमोज रेडी हो गए। ऐसे करके हम जितना हमारा आटा उस हिसाब से मोमोज बना देंगे। मोमोज हम देखे दोस्तों अच्छे से। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो थोड़ा डस्टिंग कर सकते हैं आप मैदा से, जिससे वो इजीली पूरी बन जाएगी। देखिए ऐसे करके फिर हम इसको थोड़ा सा, ये हमने ये न्यूट्रीला ग्रेन्यूल्स और कैबेज पत्ता गोभी का मिक्सचर है, इसको थोड़ा फ्राई कर लेना, इससे कच्चापन चला जाए इसका। और ऐसे करके हम ऐसे कर देंगे, फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे, क्लोज क्लोज कर दूँ। ये ऐसे शेप दे दें, दिख पा रहे? फिर आप इसको आसानी से ऐसे मोमोज बना सकते हैं। हाँ, अब हम पतीला लेंगे, पतीले में पानी लेंगे। पानी को हम गर्म करने रख देंगे। और आप सबके घर में ऐसा होता बर्तन स्टैंड होगा, ये सब्जी धोने वाला रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। आप इसके ऊपर ऐसे रख के और इसमें थोड़ा सा ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से तब तक कि थोड़ा पानी गर्म होने रख देंगे, तब हम इसको रेडी करेंगे।
फ्रेंड्स, अब देखिए हम मोमोज बना के ऐसे करके जाली वाले कंटेनर के ऊपर ऐसे रख देंगे और इसी को हम उठा के स्टीमर के ऊपर रख देंगे। आइए देखिए हम ऐसे करके रख देंगे। अब हमने इसका पानी गर्म हो गया था, हमें पानी का भाप नाप देख लेते, हो गया। अब हम इसको उसके ऊपर रख के और इसके ऊपर हम अब एक ढक्कन की सहायता से अब आप देख सकते हैं ये मोमोज रेडी हो गए हैं। ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और ये देखिए, ये है जो कच्चे मोमोज हैं और ये बने पक गए मोमोज हैं। अब दोनों में अंतर देख सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो गए हल्के हल्के से। अगर आप चाहें तो 5 मिनट और रख के इनको देख सकते हैं, नहीं है तो आप निकाल के इनको सर्व कर लीजिए।